इधर थे हम लोग कल। दूसरी जो महत्वपूर्ण खाद है वो है मटका खाद। इसमें पांच तरह की तत्व हमें चाहिए होते हैं, पांच तरह की चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें पहली है काऊ डंग। ठीक है, ये काऊ डंग चाहिए हमें 20 kg ताजा। हाँ, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का ताजा गोबर चाहिए 20 kg। देसी गाय का ताजा या पुराना गोमूत्र चाहिए अपन को 20 लीटर। गोबर सर कितना चाहिए? गोमूत्र 20 लीटर। गोबर गोमूत्र कितने दिन का गोबर ताजा में गिना जाता है? ताजा तो 1 दिन का ही बस। फिर चाहिए अपन को 2 kg सरसों की खली, मस्टर्ड के जो आज हमने छिड़क के केंचुओं को डाली ना, वो ही चाहिए सेम टू सेम। वो कहीं पे मिलती नहीं ना इधर? नहीं, मिल जाएगी कैटल फीड की दुकानों पर मिलेगी। कैटल फीड की दुकान पे मिलेगी? नहीं, फर्स्ट वाला पहले गोबर, फिर गोमूत्र, देसी गौ, सब देसी चाहिए। मतलब फ्रेश ही मिलता है, बहुत इजी। किसका? फ्रेश फ्रेश जो उसमें पोल्ट्री फार्म मुर्गी खाद जो है, गोमूत्र गोमूत्र चलो उनका पानी और गोमूत्र डाल रहे तो उससे भी बहुत से कुछ और निकलेगा। फिर से तो नहीं खाते? किसमें डाल रहे हैं? उसमें और कहा नहीं खाना, मुर्गी खाद आती है उसमें फिर भी मिल जाए और थोड़ा पानी डाल के मैश करना चाहिए। नहीं नहीं उसमें यार कभी नहीं, तो आप से मंगा लेंगे क्योंकि वो तो इतना सा कम होगा ना। आता आता है जानवर के लिए आता है। उसमें सिर्फ काऊ यूरिन ऐड करना है, पानी डालना है? हाँ, काऊ यूरिन बस डालो और मैश करके उसको बोरी से ढक के रखो, बस इतना ही करना है। और फिर इसमें चाहिए 2 किलो गुड़, वो भी पुराना होना चाहिए, जितना पुराना हो तो उतना अच्छा है और जैविक मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, दाल गुड़ पुराना कितना, उसका क्वांटिटी दाल आटा कितना आता? हाँ, उड़द की दाल का आटा 2 kg, ये भी 2 किलो लेना है। ब्लैक वाली जो दाल होती ना उसका आटा लेना है 2 kg ना? हाँ 2 kg उड़द दाल।2 kg और इसको ले लेना क्या नाम से अपना जो सबसे लो कैटेगरी का हो, सबसे मतलब समझ ना, सीधी बड़ा बड़ा जो दाना आता है ना वो दाना ही खरीदना, दाल मत खरीदना, दाल तो फिर वो महंगी ही मिलेगी। हाँ ठीक है, दाल मिलेगी 100 रुपए किलो, तो ये मिल जाएगा 40 रुपए किलो। और इसमें भी लो कैटेगरी का आप लोगे तो 20-25 रुपए किलो वाला मिल जाएगा, तो वो ला के इकट्ठा 50 kg रख लिया और उसको ही ला के नहीं रखना, उसको आटा ही बना के रखना सीधा, नहीं तो वो फिर घुल लग जाएगा उसमें। हाँ, ये कितना की? तो सीधा जाके उसको चक्की से पिसा के बिल्कुल डस्ट आटा बना लेना और रख के रहने देना। जब अपन को खाद बनानी तब अपन निकाल निकाल के खाद बना दे जाएंगे। आप इन पांचों चीजों को, इन पांचों चीजों को ड्रम में भर के या मिट्टी के बर्तन में भर के या फिर लोहे के बर्तन को छोड़कर स्टील के बर्तन में भी आम भर के मैश करके बढ़िया से रख सकते हो। ठीक है, 5 दिन तक इनको रखना है। 5वें दिन के बाद और इसका मुंह बंद करके रखना है, पर एयर टाइट नहीं होना चाहिए, वैसे खुला हो और एयर जाती रहे उसमें, ऐसा रहे। सूती कपड़े से बांध कर, सूती कपड़े से बांध कर, हाँ सूती कपड़े, एयर टाइट करके रखना है। एयर टाइट करके नहीं रखना है, एयर टाइट करके नहीं रखना है, एयर टाइट करके नहीं रखना है।